सबसे पहले तो मैं संयोजकों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सही टाइम पर इस सद्भावना मीटिंग का आयोजन किया है, क्योंकि ऐसे मीटिंग की और ऐसे विचारों की आज देश को बहुत बड़ी जरूरत है। हम जिस बात की बात करते हैं और जिसका विरोध करना चाहते हैं वो आरएसएस की विचारधारा के लिए समझने के लिए दो पहलू सिर्फ काफी है ऐसा मुझे लगता है। एक है वो समता की बात कभी नहीं करते, वो बात करते हैं समरसता की। दिखने में तो बड़ा प्यारा शब्द लगता है समरसता, एक दूसरे में घुल मिल जाना, जिसको हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, इस तरह से वो लगता है कि समरसता, एक दूसरे में घुल जाना। लेकिन उनका घुल जाने का मकसद जो है वो मोहन भागवत जी ने परसों अपने स्टेटमेंट में बताया। क्या बताया? कि हमारी बात को मानेंगे तब हमारे साथ आएंगे। मतलब हमारी बात मानो तो हम आपके साथ समरस हो जाएंगे और आपको हमारे साथ समरस करेंगे, आपकी बात लेकर आएंगे तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो समरसता और समता का विरोध, समरसता का समर्थन और समता का विरोध, ये उनका पहला पहलू है जो 1925 से लेकर वो आज तक चलते आए। और दूसरी बात वो कहते हैं वो बलशाली भारत की बात कहते हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। 1900 हम जब आजाद हुए, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण किया पहला भाषण, उसमें इस देश को बड़ा बनाने की बात थी, इस देश के लोगों के सवाल को हल करने की बात थी, लोगों को घुल मिलकर इकट्ठा लेकर एक नया देश बनाने की, पूरे दुनिया के सामने एक आदर्श रखने की बात थी, वो भी बलशाली भारत की बात थी। लेकिन बलशाली भारत का शब्द प्रयोग नहीं था उसमें, किसी को डराने की बात नहीं थी, न किसी से डरने की बात थी। लेकिन इनकी बलशाली भारत की जो संकल्पना है वो क्या है? वो यह है कि हमको सबने डरना चाहिए। जो डरा, कौन कौन डराना चाहता है? जो दूसरों से डरा हुआ है वो दूसरों को डराना चाहता है। इसको पहले आप समझ लीजिए। इन लोगों ने कभी भी समाजवाद इस शब्द का उपयोग करने से इनकार किया है। पब्लिक सेक्टर को ये नहीं चाहते हैं, इनके सामने आदर्श जो है वो अमेरिका रहा है, हमेशा अमेरिका से दोस्ती चाहिए इनको, फॉरेन पॉलिसी की हमारे वो हमेशा खिलाफत करते आए। आपको याद होगा वाजपेयी जी जब पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, अपना फॉरेन मिनिस्टर हुए, तब उन्होंने कहा था कि इंडो सोवियत एग्रीमेंट जो है वो एक कागज की पत्ती है, मैं फाड़ दूंगा। लेकिन जैसे वो फॉरेन मिनिस्टर बने और रशिया को जाके आए, उनको महसूस हुआ कि इतना आसान नहीं है, कर नहीं सकते, उसके बाद दोबारा उसकी बात उन्होंने की। जो मोदी जी भी आज समझ रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर होने के बाद उनको महसूस हुआ, वो चाहते हैं अमरीका की गोद में जाके बैठना, लेकिन उनको मालूम हुआ कि अमेरिका की गोद में बैठने से हमारे देश और हमारे देश के सरमायादारों का भी नुकसान हो सकता है, उसके लिए वो बात करने को तैयार नहीं। तो ये दुनिया की असलियत, जो हमारे स्वातंत्र संग्राम में हम लोगों ने समझी थी, और उसी लिए हमको साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारा देश खड़ा रहा, हमारे फॉरेन पॉलिसी जो थी वो हमेशा जो है किसी गुट में गुट निरपेक्ष रही है, किसी गुट के साथ जोड़ना नहीं, लेकिन साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध दुनिया में करना, यह हमारी खासियत रही है। और इसका विरोध आरएसएस लगातार करती हुई आई है। बलशाली भारत की और एक दूसरे माने हैं जिसके बारे में मोदी जी आजकल काम कर रहे हैं, वो क्या है? वो अमेरिका के सामने नजर, अमेरिका को सामने रख के, अमेरिका मजबूत क्यों ऐसा लगता है उनको? दो चीज की वजह से। एक, वहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, और दूसरा उनकी मिलिट्री बड़ी सक्षम है, ताकतवर है। तो वो ये सोचते हैं कि हमारा देश में भी बड़ी बड़ी कंपनियां रहेगी और मिलिट्री मजबूत रहेगी तो हमारा भारत बलशाली हो जाएगा। उसके लिए अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो समर्थन देते हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती है। जब हमारा देश, हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया की जनता कोरोना के साथ लड़ रही थी, मर रही थी, अपने काम और पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी, जब हमारे देश में दो आदमी इतने पैसे कमा चुके थे कि वो दुनिया के 10 नंबर के 10 रईसों में जाके बैठे, एक का नाम अडानी है, दूसरे ने का नाम अदानी है। अडानी और अंबानी दोनों के नाम तो मैं आप जानते ही, मतलब पूरी दुनिया और हमारा देश गरीबी से लड़ रहा है, और ये दो आदमी हमारे गरीब देश के आजादी में आज इस मोदी के समर्थन के बाद पहले 10 नंबर में जाके पहुंचे।
ये उनकी बलशाली भारत की संकल्पना है। दूसरा क्या उनका कहना है, अमेरिका में मिलिट्री प्रोडक्शन सब जो है वो प्राइवेट हाथ में है, अपना प्रोडक्शन बेचना चाहिए, उसके लिए वो लोगों को लड़ाते हैं। आज रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, यूक्रेन को किस तरह से मदद दी जाती है, ना अमेरिकन सोल्जर जाता है ना यूरोपियन सोल्जर जाता है, लेकिन वो माल बेचते हैं, माल बेचते हैं। अचरज की बात आपको लगेगी, यूक्रेन को तो माल देते ही है, लेकिन वॉर के पहले यूरोपियन मल्टीनेशनल ने 385 मिलियन का आर्म्स रशिया को भी बेचे। मतलब ये दोनों को लड़ाएंगे, दोनों को माल बेचेंगे। आज भी हम देखते हैं कि चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और भारत को खड़ा करके अपना माल बेचने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, और मोदी जी इस कोशिश में उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी इसी तरह से नीति अपनाई जाए, उसीलिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा राफेल के वक्त रिलायंस के मुकेश अंबानी अंबानी को लेकर जाकर उन्होंने नागपुर में कोशिश की कि राफेल की रिपेयर्स की दुकान अंबानी के नाम से शुरू हो जाए, और दे भी नहीं, शुरू भी कर। इसी तरह से हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो जमीन है वो बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइजेशन करके वो भी प्राइवेट हाथ में रहना चाहते हैं। सोचिए क्या होगा अगर हमारे देश में मुनाफे के लिए मिलिट्री का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो मिलिट्री को मुनाफा कैसे, तो उनको मुनाफा कैसे होगा, जब लड़ाई होगी तभी होगा। तो मुझे खतरा नजर आ रहा है, आज न कल ये लड़ाई करवाने को, इनके मुनाफे के लिए हमको लड़ाई करें। आपको हंसी लगती है लेकिन मैं बात बता रहा हूं, डिमोनेटाइजेशन की याद कीजिए, डिमोनेटाइजेशन के वक्त उन्होंने 500,000 के नोट बंद कर दिए, गरीब लोग लाइन लगा के पैसे, अपने पैसे बचाने के लिए बैंक में लग गए, 153 लोग मर गए। आपने कभी सुना है गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने या अमित शाह ने या किसी निर्मला सीतारामन ने कभी इसके बारे में दुख या खेद व्यक्त किया है? कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमको क्या सलाह दी कि देखिए हिमालय में हमारा सैनिक कैसे खड़ा रहता है, वो कोई कंप्लेंट करता नहीं, और आप क्यों कंप्लेंट करते हो? इसका मतलब क्या है, जो मेहनत करने वाला इंसान है उसने नीचे मंडी डालकर सिर्फ मेहनत करनी चाहिए और मरना चाहिए, कहेंगे वो देश के लिए मरना चाहिए, लेकिन देश किसका है? अडानी अंबानी का देश है, इसको समझना चाहिए। इनके लिए आम मेहनत करने वाला आदमी इसकी कोई कीमत नहीं, यही इनकी नीति है, इसी को बलशाली भारत कहते हैं। बलशाली भारत का मतलब ये आरएसएस ने एक जमाने में मुसलोनी और हिटलर से, हिटलर को अपना आदर्श माना था। क्यों मानते? हिटलर के जमाने में क्या था, 12 मजदूरों को 12 घंटे की ड्यूटी, नीचे मुंडी डालकर काम करना, और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पैसा कमाया, और पूरे दुनिया में 6 करोड़ लोगों ने मारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यही इनकी नीति है। तो उसीलिए अगर आरएसएस की नीति को समझना है तो हमको बलशाली भारत, जिसका मकसद है मिलिट्री और मिलिटराइजेशन करना, और दूसरी तरफ जो है सरमायादारों को ताकत देना, और तीसरी बात उसके अंदर है कि जो आम जनता है उसको नीचे मुंडी डालकर काम करने को मजबूर करना, उसके लिए देश का नाम, कभी धर्म का नाम, जिसका जिसका भी फायदा होगा वो करेंगे। मनुस्मृति क्या कहती है? यही कहती है मनुस्मृति, किसने आराम करना और किसने मेहनत करना, यही मनुस्मृति है। मेहनत करने वाले को यह कहा जाता है कि भाई आप नीचे मुंडी डाल के मेहनत करो, मुझे ही मेहनत क्यों करनी पड़ती है यह सवाल मत पूछो, क्योंकि ये सवाल पूछेंगे तो अगले साल अगले जन्म में आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर आप नीचे मुंडी डाल के काम करेंगे तो हो सकता है अगले जन्म में आपको आराम करने का चांस मिले। ये मनुस्मृति कहती है, उसीलिए मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। मनुस्मृति का समर्थन इसलिए नहीं करते वो किसी एक मजहब का है या धर्म का है, वो एक जिनके हाथ में आज सब कुछ है उनके हाथ में वो कायम रखने के लिए उसकी उनकी मदद होती है, उसके लिए वो नए नए फंडे करते हैं। आज प्राइवेटाइजेशन का दौर है, कांग्रेस के जमाने में भी प्राइवेटाइजेशन बहुत हुआ था। नई भूमंडलीकरण की जो नीति है उसमें निजीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाने सरमायादारों को देश बेचना है तो निजीकरण करना होगा, लेकिन ये निजीकरण से हमारे देश की वास्तविकता क्या है? हमारे देश में सामाजिक न्याय की एक संकल्पना है, हमारे देश में बराबर सबको बराबर लाने के लिए एफर्मेटिव एक्शन जिसको हम कहते हैं रिजर्वेशन की संकल्पना है, इस रिजर्वेशन को खत्म किया जाता है निजीकरण से, समझ लीजिए।
2014 से लेकर 2022 तक जितना निजीकरण हो रहा है, या मॉनेटरी पाइपलाइन की जो योजना आई है उससे 50 लाख से ज्यादा रिजर्वेशन के पोस्ट कम होने वाले हैं, ये समझ लीजिए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सोशल मोबिलाइजेशन जो आज हम देखते हैं, पिछले 75 साल के आजादी में हमने एक सामाजिक प्रगति का एक आईना देखा था, वो नष्ट होने वाला है, वो टूटने वाला है। तो ये इनकी नीति है, बोलेंगे तो बड़े बड़े शब्दों के साथ बोलेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका मतलब किसका, ये आपको देख के बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नफरत, डर और इंटॉलरेंस, जिसको हम असहिष्णुता कहते हैं, ये इनकी तीन ताकतें। जब इन्होंने 1925 में आरएसएस स्थापन की थी, जब उन्होंने तीन शत्रु बताए थे अपने देश के, पहला शत्रु मुसलमान, दूसरा शत्रु क्रिश्चियन और तीसरा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, ये हमारे शत्रु है, ये बार बार वो कहते हैं। वक्त के मुताबिक उनका प्रायोरिटीज बदल जाती है, ये समझ लीजिए। लेकिन ये इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये तीनों की जो भाषा है वो परदेश की है, हमारी नहीं है, हमारे देश में नहीं है। लेकिन ये आज जो देश कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे काम कर रहे हैं, वो किसका किसका आदर्श रख रहे हैं? वो एक ही भगवत गीता चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मुसलमानों का एक ही कुरान है और क्रिश्चियनों का एक ही बाइबल। इनको दुख है कि हमारा कोई एक किताब नहीं है, बहुत किताब है। उसके लिए वो उनके मॉडल पे उनका हमको भगवत गीता बनाना चाहते हैं। उनकी ये सोच है कि हमारे पास अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसके लिए हम कमजोर हुए, उसके लिए बाहर के लोगों ने आप पे हम पर हमला करके हम पर राज किया, ऐसा उनको लगता है। उसके लिए राजनाथ सिंह 2014 में बोल गए कि पहले बार हिंदुओं का राजा है, इसका मतलब देश आजाद होने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हुए, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, गुलजारीलाल नंदा हो, चरण सिंह हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, आई के गुजराल हो, देवगौड़ा हो, इनके या खुद वाजपेयी हो, वो किसी को हिंदू नहीं समझता। 2014 के बाद ही पहला हिंदू का प्राइम मिनिस्टर हुआ है नरेंद्र मोदी, ऐसी ऐसी कहने की वो बात करते हैं, ये इनकी सोच है। तो इनका हिंदुत्व जो है वो इस देश में पैदा नहीं हुआ है, इस देश के संस्कृति के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, ये परदेश की संस्कृति का लेकर आए हैं, ये हिटलर मुसोलिनी की संस्कृति लेकर हमारे देश में आए, इसको पहले समझना चाहिए। ये देशभक्त नहीं है, ये गद्दार है, इसको पहले आपने समझना चाहिए। लेकिन ये अपने आप को छुपाने के लिए इनकी सभी संगठनों का नाम जो रहता है वो राष्ट्रभक्ति के साथ शुरू होता है, राष्ट्र सेविका दल, राष्ट्र स्वयं सेवक दल, इस तरह से नाम करते हैं। मुझे याद है 1936 में हमारी महिलाएं काफी जागरूक हुई थी, पंडित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट में भी काफी महिलाएं आई थी, महात्मा जी ने भी बड़े पैमाने पर जो है महिलाओं को स्वतंत्र आंदोलन में उतारा था, वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी काफी बड़े पैमाने पर महिलाओं को संघर्ष में उतारा था, तो महिलाओं में एक जागृति हो गई थी। उसीलिए आरएसएस के लोगों के पास भी कुछ महिलाएं गई और कहा कि हमको आरएसएस का मेंबर बनना है, लेकिन ये तो महिलाओं को हमेशा बराबरी का दर्जा समानता देने में तैयार नहीं थे, लेकिन उनको महसूस हुआ कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो परेशानी हो जाएगी। उसके लिए उन्होंने कहा कि आपका अलग संगठन बनाइए और उस संगठन का नाम लिया राष्ट्र सेवा संघ, राष्ट्र सेविका संघ। मतलब इनका काम क्या, महिलाओं का काम क्या है, सेवा करने का, आप सेवा कीजिए, बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा आप। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इनकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, ये जब मेजोरिटी में नहीं थे, जब 33% रिजर्वेशन की बात महिलाओं के लिए होती थी, जब बड़े 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 भाषण ये लोग करते थे, राज्यसभा में ये बिल मंजूर हुआ है, लोकसभा में नहीं हुआ है, लेकिन ये मंजूर करने की बात भी नहीं करते, जिक्र भी नहीं करते इसका, समझिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि महिला हमारे साथ बराबरी के दर्जे में खड़े रहे। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, इसलिए मुझे याद है महाराष्ट्र में उन्होंने 4-5 पढ़ी लिखी महिलाओं को घुमाना शुरू कर दिया है कि भारतीय महिला कैसी होनी चाहिए। मनुस्मृति में जो कहा है कि महिलाओं ने पहले बाप का सुनना चाहिए, फिर पति का सुनना चाहिए, और पति मरने के बाद बेटे का सुनना चाहिए, यह उनके सामने महिलाओं का आदर्श है। और वो बात करने के लिए ये पढ़े लिखी महिलाओं को गली गली मंदिर मंदिर घुमा रहे हैं, ये आरएसएस की नीति है, इसको समझ लीजिए। महिलाओं को बराबर का दर्जा देना नहीं, समानता की बात, समता की बात करना नहीं, मजदूर वर्ग को उनके हक की बात करने नहीं देना है। इसलिए जिस तरह से उन्होंने किसानों पे हमला किया, उसी तरह से मजदूरों की भी सभी कानून जो लड़के झगड़ के अब तक मिलाए थे, एक झटके में उन्होंने रद्द कर दिए, पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन भी नहीं किया।
और सरमायादारों को एक नई ताकत दी थी, कारखाने बंद करने की, मजदूरों की छटनी करने की, इन्होंने ताकत दी थी। हम लोगों को सोचना क्या चाहिए कि सिर्फ क्या ये भारत में ही हो रहा है, हमारे देश में ही हो रहा है? तो ये गलतफहमी में मत रहिए, ये आज दुनिया के सभी देशों में इसकी शुरुआत आपको नजर आएगी। अमेरिका में भी ट्रंप और ट्रंप को मानने वाले लोगों की ताकत जो कभी बढ़ती है कभी कम होती है, ब्राजील में बोसनारो की ताकत जो बढ़ती है, फिलीपींस में डुरांटो की ताकत बढ़ती है, या तुर्कस्तान में इस्लामिक पार्टी के नाम पे एर्डोगान की ताकत जो बढ़ती है, इस सभी के पीछे यार हंगेरी में ताकत जो बढ़ती है, ताकत ये किस लिए बढ़ती है? ये नई जो अर्थनीति आई है जिसके वजह से मल्टीनेशनल को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को एक ताकत देने की बात होती है, जिसमें मजदूरों का हक छीनने की बात होती है, उनका सही हक टालने की कोशिश होती है, ये सब उसके पीछे है। इसको समझ, और इसीलिए हमारी बहन बराबर बता रही थी जो 150 रुपए सिलेंडर की उन्होंने कहानी बताई कि जब धर्म की बात आती है या किसी जाति की बात आती है तो हम हमारे सही सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये उनको उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया है। उसके लिए हमारे सामने आज जरूरी क्या है कि आज हमारे देश की आर्थिक हालत क्या है, नई शिक्षा नीति लाने की बात उन्होंने की, अभी उन्होंने ऐलान किया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी आएगी। क्या होगा फॉरेन यूनिवर्सिटी आने के बाद? आपके बच्चे पढ़ेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटी में? अभी मैं सुबह में कुछ एटक के लोगों से बात कर रहा था, भोपाल के बहुत से पढ़े लिखे डॉक्टर जो है वो एक जमाने में ऐसे स्कूल में पढ़े थे जहां पे भोपाल में काम करने वाले सिनेमा थिएटर के डोर कीपर का बेटा भी वही पढ़ा था, कबाड़ी का बेटा भी वही पढ़ा था, हजाम का बेटा भी वही पढ़ा था, एक ही स्कूल में पढ़े थे, कुछ डॉक्टर हुए कुछ नहीं हो सके, लेकिन सबको एक समान संधि जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसको खत्म करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। मतलब रईस लोग जो है उनको ही सब मिलेगा, सरकार की जो जिम्मेदारी है लोगों को सही ढंग से शिक्षा देने की वो देने की उनकी तैयारी नहीं है, लोगों को दवाई देने के लिए जो सरकार ने पैसा खर्च करने चाहिए वो करने, उसीलिए वो बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ट्रांसपोर्ट की भी वही हालत है। उसीलिए हमको ये देखना चाहिए कि हमारी लड़ाई कौन से सवालों को लेकर आगे बढ़ेगी। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको हेल्थ के लिए बराबर की सहूलतें मिलनी चाहिए, और इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे सवालों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बलशाली भारत और समरसता की बात करने वालों की जो ताकत आज दिख रही है उसको पीछे ढकेलने में हम कामयाब हो जाएंगे। इसको इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आजादी हमको मिली लड़ने के बाद मिली, किसी की गिफ्ट नहीं, बख्शिश नहीं मिली हमको। इनकी सोच ऐसा अलग है, इनकी सोच ऐसी थी कि आजादी लिए लड़ने की जरूरत नहीं, आज ना कल ब्रिटिश हमको छोड़ के जाते थे, ये उनकी सोच है। मुझे याद है एक कहानी मैंने पढ़ी थी, आरएसएस के एक बंदे को एक जमाने में 1938 की बात है, एक बंदे ने पूछा कि आप ब्रिटिश के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते, तो उन्होंने कहा ब्रिटिश हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन यहाँ के मुसलमान है। उस वक्त से उनकी सोच है इस देश के दुश्मन कौन है, वो हमेशा वही कहानी बताते हैं। ग्राउंड में क्या होता है, शुरू कैसा होता है, आप बस्ती में जाके देखिए, कोई बंदा आता है एक भगवे रंग का झंडा लगाकर बैठ जाता है, बच्चे आते हैं, पहले वो तो सिर्फ खेल खिलाता है, कबड्डी खेलता है, खो खो खेलता है या फुटबॉल खेलता है, फिर धीरे धीरे उनको कहानियां बोलना शुरू कर देता है। कहानी कौन सी बोलता है, झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां रहती है, लेकिन हमेशा जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम लड़ाई की बात होती है, राणा प्रताप की कहानी बताएंगे, शिवाजी की बताएंगे, टीपू सुल्तान की बताएंगे, ऐसी कहानियां बोल के धीरे धीरे उनके जबान में, फिर धीरे धीरे भारत माता का नक्शा निकाला जाता है और उसको नमन करना बताया जाता है, और उसको उसके ऊपर छाती पे भगवा लगा के जाके उसको भगवा और भारत माता का एक भगवा ये हमारा रंग है ये उसके दिमाग में डाला जाता है। उसीलिए जब तिरंगा हमारे देश ने स्वीकार किया, हमारे देश का झंडा बोल के, तब इन्होंने कहा था ये अशुभ है, तीन रंग अशुभ होते हैं, हमारा रंग सिर्फ भगवा है, ये उस वक्त उन्होंने कहा था, और आज घर घर में तिरंगा लगाने की बात है। मतलब ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये समझ लीजिए,
आज अडवाणी वाजपेयी की बात वो नहीं करते, जिनके वजह से इनको बाबरी मस्जिद खत्म करके इनको सत्ता मिली उनका उनको याद नहीं करते, क्योंकि इनका सत्ता से मतलब है, इनको बाकी कोई चीज से मतलब नहीं, ये समझ लीजिए। इनको एक ही मकसद है कि बलशाली भारत के नाम पर यहाँ के सरमायादारों को बड़ा बनाना और समरसता के नाम पर यहाँ के 80% मजदूर मेहनत कर इंसान को नीचे मुंडे रह के काम। अभी अभी उन्होंने डिक्लेयर किया, हमने बड़े संघर्ष के साथ यूपीए के जमाने में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया था, मनरेगा लागू किया था। मुझे याद है कि मनरेगा के बारे में 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में हंसी मजाक में कहा था कि मनरेगा क्या है। अब जब कोरोना आया उस वक्त इसी मनरेगा ने हमारे देश के आम आदमी को बचाया, ये भूलिए मत। ये मनरेगा नहीं रहता था तो लाखों मजदूर जो गांव में चले गए थे वो कैसे जिंदा रहते थे। अब वो बता रहे हैं कि मनरेगा में इतना पैसा खर्च किया, वैसा पैसा खर्च किया, वो भी कमी करे, पैसा कमी खर्च कर रहे हैं, कम लोगों को काम दे रहे हैं, लेकिन मनरेगा जरूरी है इनको मालूम है। फूड सिक्योरिटी एक्ट की भी उन्होंने ऐसी मजाक उड़ाई थी, रेवड़ी की बात की थी आपने, देखे इलेक्शन के वक्त रेवड़ी की बात करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने डिक्लेयर किया कि 1 साल तक हम अनाज मुफ्त देंगे। रेवड़ी की बात, रेवड़ी आपको रेवड़ी मंजूर नहीं है ना, फिर क्यों बात करते हो। लेकिन साथ साथ क्या किया उन्होंने, जो हमको अनाज मिलता था फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 2 रुपया और 1 रुपया का, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। मतलब एक हाथ से लेकर, मराठी में कहा है आवला देके कोड़ा निकालना, मतलब आपको आवला देते हैं और आपके पास से तरबूज निकाल लेते हैं। ये बड़ा ये इनका खेल है, ये इनकी अर्थनीति है, इनकी राजनीति है, इनकी धर्म नीति है, इसको समझ लीजिए। और इसीलिए इस देश में 1947 में हमारे सामने एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल था। कौन सा सवाल था? हमारे देश का बंटवारा हो चुका, हमारे देश में से एक हिस्सा जो है जिन्होंने इस्लाम धर्म का ही राज होना चाहिए कहा था वो हमसे अलग हो गया, तो जाहिर बात है जो दूसरा हिस्सा रहा था वो क्या होना चाहिए था, हिंदू हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन हमारे आजादी के आंदोलन में हमारा जो नेता था, नेतृत्व करने वाले लोग थे, लड़ने वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो दूसरा हिस्सा है वो किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का नहीं रहेगा, सबका रहेगा, सबको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा जवाब था और उसी जवाब की वजह से हम अब तक एक टिके रहे। लेकिन जो धर्म के नाम पे गए वो बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, ये समझ लीजिए। तो ये सीख है हमारे को, यूक्रेन और रशिया एक ही धर्म को मानते हैं लेकिन आपस में झगड़ा रहे, ईरान और सऊदी अरेबिया एक ही मजहब को मानते हैं लेकिन आपस में झगड़ रहे हैं। तो हमारे सामने ये तजुर्बे है, एक ही मजहब को मानने वाले एक साथ रहते ऐसी कोई नहीं। तो इसीलिए हमारा देश जो 75 साल से हमने एक सोच के लिए आगे बढ़ाया है वही सही सोच है, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूं आज की जो मीटिंग है वो इसीलिए ये मीटिंग है, हमको सद्भावना किस लिए चाहिए। देखिए इंसान के दिल में जिस तरह से डर रहता है, नफरत रहती है, वैसी सद्भावना भी रहती है, एक दूसरे को मदद करने की इच्छा भी रहती है। समाज का काम क्या है, कौन सी इच्छा को आगे बढ़ाना, सरकार का काम क्या है, कौन सी शक्ति को आगे बढ़ाना, ये नहीं चाहते हैं सद्भावना को बढ़ाना, ये चाहते हैं नफरत को बढ़ाना, ये चाहते हैं डर को बढ़ाना। क्या क्या डर फैलाते हैं हमारे दिल में, इनकी नेताओं की भाषण सुनिए, वो कहते हैं कि इस देश में मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाए। सबसे पहले ये ऐसी सोच करने वाले लोग सच्चाई को, सच्चाई की कुर्बानी देते हैं। सच्चाई क्या है, सबसे ज्यादा मल्लापुरम में मुस्लिम है, वहां पर बर्थ रेट कितना है, क्या हिंदू बर्थ रेट से ज्यादा है या कम है, उतना ही दो। मुस्लिमों की भी तादाद धीरे धीरे, मुस्लिमों में गरीबी ज्यादा है, सच्चर कमेटी का सच है, फिर भी ये कहते हैं कि इस देश में मुस्लिमों को सहूलत दी जाती है। क्या सहूलत दी जाती है भाई, सच्चर कमेटी ने सच बताया है। बल्कि आपने क्या किया, आपने पहली से आठवीं तक जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लड़के पढ़ रहे थे स्कॉलरशिप पे, उनकी स्कॉलरशिप आपने बंद कर दी। मतलब आप ये नहीं चाहते कि जो समाज गरीब तबका है उसकी तरक्की हो, ये आप नहीं चाहते, वो गरीब ही रहे यही चाहते हैं। नए नए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, पशमंदा मुसलमानों की बात करके
झगड़ा आपस में झगड़ा लगाने की बात करते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए नए नए कानून बनाते, लव जिहाद का कानून बनाया, गौ हत्याबंदी का कानून बनाया, धर्मांतर के खिलाफ कानून बनाया। इस कानून बनाने से कुछ नहीं हुआ, फिर भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? पुलिस को अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तकलीफ देने में आसानी हो जाए, उसके लिए कानून बनाया जाता है। इसको समझ लीजिए, ये कानून से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पड़ने वाला, लेकिन फिर भी उनको मालूम है, फिर भी बनाया जाता है। एक तो डर पैदा करना और पुलिसों के हाथ में एक ताकत देना, जिसका इस्तेमाल करके वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तकलीफ दे सके। आज ये गोवंश हत्याबंदी के बाद जिस तरह से ट्रक में से गाय या बैल लेते जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, झारखंड में जाइए, गुजरात में जाइए, पैसे कमाने का धंधा हो गया, ब्लैकमेल का धंधा हो गया, ये बहुत बड़ा। क्या इसके ऊपर नजर रखना हम कर सकते हैं? हम कर नहीं सकते। तो इसके लिए उनकी अर्थनीति को भी समझना जरूरी है। ये सब जो कर रहे हैं वो एक अर्थ सोची समझी अर्थनीति है, सोची समझी एक चाल है, इसको समझ लीजिए। और इनके साथ टक्कर लेना है तो ये सब बातें लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, तो संयोजक समिति को कहता हूं कि आप एक पर्चा निकालिए कि भाई मोदी सरकार क्या क्या करना चाहती है और उसका असर क्या हो रहा है, और वो घर घर में बांटने को बोलिए। जो हमारी कॉमरेड ने कहा कि उनको जो लखनऊ में तजुर्बा आया कि जब महिलाएं गई तो लोगों ने पत्रक हाथ में लिए, मुझे यकीन है कि आप जब जाके ये असलियत लोगों को बताएंगे तो लोग खुद पढ़ेंगे और लोगों के होश उड़ जाएंगे। लेकिन क्या हम वो कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं, ये बुनियादी सवाल है। हम अलग अलग तबके में बटे हुए हैं, अपने अपने संगठन का काम करते हैं, करना चाहिए, लेकिन कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि हम सबको मिलकर अगर हम भटक रहे हैं तो भटकने से अपने आप को रोकने की जरूरत है। उसके लिए हम सब लोगों को इकट्ठा आकर घर घर में जाकर ये मोदी आरएसएस और बीजेपी की जो नीतियां हैं जिसका असर हमारे देश के 80% मेहनत कर आवाम पे हो रहा है, उसकी असलियत लोगों के सामने लाने की जरूरत है। वो लोगों तक अगर हम लेके जाएंगे तो हमारी ये सद्भावना सभा जो हो रही है, यात्रा जो चल रही है, उसका फायदा हमको होगा। और यही उम्मीद के साथ मैं यहाँ से जाऊंगा कि मध्य प्रदेश में आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये कार्यक्रम जो शुरू किया है, उसका असर होगा और मध्य प्रदेश में जहां पर इस सरकार को लोगों ने गिराया था, महाराष्ट्र में भी सरकार ने लोगों ने सरकार को गिराया था, लेकिन बक्से की ताकत पर इन्होंने सरकार को वापस कर दिया। इस बक्से की ताकत को तोड़ना है तो लोगों की ताकत और एकजुट को खड़ा करना ही हमारा फर्ज है, और यही लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बक्से की ताकत को बक्से की ताकत से हम नहीं हरा सकते, लेकिन लोगों की एकजुट और लोगों की समझ और ताकत के साथ हम इसको इसके साथ टक्कर दे सकते हैं और देंगे और इनको परास्त करेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, लाल सिंह।